हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे मेल मर्ज कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम लिब्रे ऑफिस ओपन करेंगे और आपको पता होना चाहिए कि मेल मर्ज के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला डेटा सोर्स, मेन डॉक्यूमेंट और लास्ट में जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उन्हें मर्ज डॉक्यूमेंट कहा जाता है। तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम सबसे पहले डेटा सोर्स को रेडी करेंगे। डेटा सोर्स टेबलर फॉर्म में होता है तो हम उसे कैल्क पे रेडी करेंगे। कैल्क हमने ओपन किया और इसको ओके करेंगे। कैल्क में अब हम जो भी कॉलम बनाएंगे वो हमें अपनी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाना है। जैसे फर्स्ट कॉलम में हम सैल्यूटेशन लिखेंगे, ठीक है। सैल्यूटेशन मीन्स होता है मिस्टर, मिसेस और इस टाइप का कुछ भी। और सेकेंड कॉलम में हम लिखेंगे नेम्स और नेम बस लिखेंगे, और इसमें लिखेंगे अमाउंट पेंडिंग, अमाउंट पेंडिंग। उसके बाद इसमें लिखेंगे लास्ट डेट। ओके, तो हम एक लेटर जनरेट करने वाले हैं जिसमें कस्टमर्स का अमाउंट पेंडिंग दिखाएगा और उनकी पेमेंट की लास्ट डेट दिखाएगी कि लास्ट डेट क्या है पेमेंट करने का, ठीक है। तो हम इसमें एक छोटी सी लिस्ट बनाएंगे, इसमें लिखेंगे मिस्टर, और इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। 3 लोगों की हमने लिस्ट यहाँ पे ले ली है, उनके नेम लिख देंगे ओके। यहाँ पे तीसरा नाम भी हम लेंगे, हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग भी ले सकते थे। हम अमाउंट पेंडिंग में हम कुछ अमाउंट लिखेंगे, लास्ट डेट में हम कोई डेट डालेंगे, और यहाँ पर यहाँ पे हम 2024 कर देंगे, सही रहेगा। डेटा भी थोड़ा सा सही होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर हमने ये हमारा डेटा सोर्स रेडी हो गया है। अब हम इसको सेव करेंगे। तो बहुत से बच्चे इसको सेव करते हैं तो देखते नहीं हैं कि कहाँ सेव हो रहा है। तो जब ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है सेव करने का, तो यहाँ इस पर लोकेशन लिख के आती है कि डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव हो रहा है। अब हम इसका नाम दे देंगे कस्टमर्स, इस लिस्ट का नाम हम दे देंगे कस्टमर्स। कस्टमर्स हमने लिखा और सेव कर दिए। अब हमारा डेटा सोर्स बन के हो गया है रेडी। अब इससे हमें कोई काम नहीं है, इसको हम करेंगे क्लोज़। अगेन हम राइटर ओपन करेंगे क्योंकि मेल मर्ज जो फीचर है वो राइटर का है। ओके, सो हम अब राइटर ओपन करेंगे और इसमें हम एक लेटर लिखेंगे टू। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ। टू लिखने के बाद यहाँ पे कस्टमर का नेम आएगा और सैल्यूटेशन नेम और ये सारी चीज़ें आएंगी। तो इसमें लिखेंगे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेंडिंग रुपीज़ के बाद यहाँ अमाउंट हम इंसर्ट कराएंगे, और फिर हुज लास्ट डेट इज यहाँ पे डेट आएगी, काइंडली पे द बिल। हमने इतना एक छोटा सा लेटर बनाया। अब हम मेल मर्ज परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो मेल मर्ज परफॉर्म करने के लिए हमें जाना है फाइल मेन्यू पर। यहाँ पर विजार्ड का ऑप्शन होता है,
और एड्रेस डेटा सोर्स पर हमें चले जाना है। ठीक है, एड्रेस डेटा सोर्स पर जाएंगे तो ये पूछ रहा है हमसे कि डेटा सोर्स आपका कहाँ पर है। अदर एक्सटर्नल डेटा सोर्स सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और ये पूछ रहा है डेटाबेस का टाइप क्या है, यानी आपका जो डेटा सोर्स है उसका क्या टाइप है। तो हमने अभी स्प्रेडशीट पर उसको बनाया था, कैल्क पर, तो स्प्रेडशीट सेलेक्ट रहने देंगे यहाँ पे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से ब्राउज़ करेंगे अपने डेटा सोर्स को। तो डेटा सोर्स हमने कस्टमर नाम से सेव किया था डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर, तो डॉक्यूमेंट ही खुला हुआ है यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पे कस्टमर्स नाम से एक फ़ाइल होगी। हम जाके दोबारा से देखते हैं, ये है कस्टमर्स डॉट ओ डी एस, इस पर हम क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे या डबल क्लिक कर देंगे, एक ही बात है, फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद यहाँ पर फिर से नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है उसमें। देखिए यहाँ पर ये आ चुका है, इसको नेक्स्ट करेंगे, हम कुछ भी नहीं करना है, फिनिश कर देंगे। तो हमारा जो डेटा सोर्स है वो यहाँ पर लिंक हो चुका है, बट उसको हमें अभी शो करना है। तो हम व्यू मेन्यू पे जाएंगे और डेटा सोर्स का ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो डेटा सोर्स है वो तुरंत ओपन होकर यहाँ पर आ जाएगा, सैल्यूटेशन नेम अमाउंट पेंडिंग लास्ट डेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। इसके साथ साथ हमें व्यू मेन्यू पर जाना है और मेल मर्ज का टूल बार हमें शो नहीं हो रहा है यहाँ पे अभी, इसलिए हमें फिर से व्यू मेन्यू पर जाना पड़ेगा और टूल बार्स पर जाएंगे और मेल मर्ज के जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ शो कराने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। देखिए ये मेल मर्ज का टूल बार आ गया, ये जहाँ माउस का पॉइंटर है आप देख सकते हैं, मेल मर्ज का ये टूल बार है। ओके, अब टू के बाद हमें यहाँ पर नेम चाहिए था, सैल्यूटेशन, फिर नेम, सैल्यूटेशन को ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप करेंगे, फिर हम एक स्पेस देंगे क्योंकि दोनों के बीच में स्पेस भी रखना है, फिर नेम को हम ड्रैग करके यहाँ छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे, योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ पेंडिंग रुपीज़, रुपीज़ के बाद यहाँ पर अमाउंट को हमें ड्रैग करना है, इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे और माउस से यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, रुपीज़ अमाउंट पेंडिंग हुज लास्ट डेट इज़, लास्ट डेट इज़, इसके बाद यहाँ पर डेट शो करनी है। ठीक है, तो लास्ट डेट वाले कॉलम को ड्रैग करके यहाँ पुट करेंगे तो लास्ट डेट इज़ यहाँ पर डेट आ जाएगी। ठीक है, और कोशिश करना है कि यहाँ सभी में आप एक एक स्पेस दे दें आगे पीछे, से क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो थोड़ा सा अलग दिखेगा। ओके, काइंडली पे द बिल, फुल स्टॉप। अब ये यहाँ पर हमने मर्ज फील्ड को इंसर्ट करा दिया है, अब मर्ज फील्ड इंसर्ट कराने के बाद अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हम जो मेल मर्ज का जो हमारा टूल बार है इस पर हम क्लिक करेंगे। ओके,